नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री की ऐसी अदाकाराएं जिन्होंने शोबिज़ में भी खूब अपने कदम जमाए, लेकिन उन्होंने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए लाइफ टाइम फ्यूचर को फ़रोग दिया। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकाराएं भी काफ़ी सियानी हैं। उन्होंने सोचा कि खवातीन खूबसूरती और मेकअप पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करती। आज़ा उन्होंने अपने लाइफ टाइम फ्यूचर के लिए सैलून वाले बिज़नेस का इंतखाब किया। वो इसमें काफ़ी कामयाबी समेट रही हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं नरगिस की। हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा, हमारे स्टेज ड्रामों की जान नरगिस जो हैं, उन्होंने भी अपने लाइफ टाइम फ्यूचर को प्रमोट करने के लिए सैलून का इंतखाब किया। उन्होंने स्टेज ड्रामा में भी काफ़ी शोहरत हासिल की। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो जो है कनाडा में सेटल हो जाएंगी। लिहाजा उन्होंने कनाडा में सेटल होने के बाद अपना एक सैलून बनाया और वो कनाडा में अपना सैलून जो है वो अच्छे से रन कर रही हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे पास नादिया हुसैन। नादिया हुसैन ने कैरियर का आगाज़ जो है वो मॉडलिंग से किया। वो एक मशहूर मॉडल होने के साथ साथ एक मशहूर एक्टर भी हैं। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि नादिया हुसैन जो हैं वो एक डेंटिस्ट हैं, यानी कि दांतों की डॉक्टर भी हैं, लेकिन इन्होंने अपने उस प्रोफेशन को पीछे छोड़ दिया। लिहाजा इन्होंने सैलून बनाने का डिसीजन लिया और आज ये अपना कामयाब सैलून जो है वो रन कर रही हैं। इसके अलावा इनका अपना ब्रांड भी है और ये स्किन केयर ट्रीटमेंट भी करती हैं। लिहाजा ये मॉर्निंग शोज़ में अपनी प्रोडक्ट्स और अपने सैलून की पब्लिसिटी जो है वह करती नज़र आती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास शगुफ्ता एजाज, जो कि एक मशहूर कॉमेडी ड्रामा सीरियल डुगडुगी में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई हैं। आपको बताते चलें कि इनका भी अपना सैलून है और वो इसको बहुत ही अच्छे से रन कर रही हैं। शगुफ्ता एजाज की बेटियाँ भी इनके साथ हम वक्त साथ रहती हैं। शगुफ्ता एजाज जो है वो इनको भी गाइडलाइन देती रहती हैं ताकि आने वाले फ्यूचर में ये इनके ये जो बिज़नेस है संभाल सकें या इनकी अदम मौजूदगी में भी इनके काम को रन कर सकें। नेक्स्ट पे हम बात करेंगे साहिबा। साहिबा भी एक मशहूर एक्टर रही हैं, फिल्म एक्ट्रेस रही हैं, लेकिन जब इन्होंने रैम्बो के साथ शादी की उसके बाद इन्होंने शोबिज़ इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन इन्होंने उसके बाद जो है वो डिसीजन लिया कि ये भी अपना सैलून जो है वो रन करेंगी और लिहाजा ये अपना साहिबा ब्यूटी सैलून जो है वो कामयाबी के साथ रन कर रही हैं।